नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटवानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप में से जो भारतीय हैं उन्होंने ये तो नोट ही किया होगा कि कल सोमवार के रोज भारत का स्टॉक मार्केट एकदम धड़ाम से गिर गया। सेंसेक्स 2200 पॉइंट गिरा और निफ्टी 50 700 पॉइंट। तकरीबन मार्केट कैपिटलाइजेशन में से 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब ये क्यों हुआ, उसकी वजह जो बता रहे हैं हमको कि अमेरिका में एक रिसेशन का जैसे डर सताने लगा उनको। उसकी भी वजह ये थी कि जापान में डॉलर का भाव गिर गया एज कंपेयर टू देयर ओन करेंसी येन, यानी 157 के करीब चल रहा था डॉलर, वो 161 के करीब चल रहा था, वो 157 तक पहुंच गया। और जिसकी वजह से जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स थे उनको डर सताने लगा। क्योंकि यहाँ पे उल्टी बात है, अभी जैसे भारत में बाहर से पैसा आता है, जापान में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो ट्रेडर लोग होते हैं, क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट न होने के बराबर है, 0% या 0.5% पर एनम होता है, तो बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं, आर्बिट्रेज करते हैं, जापान में कर्जा लेते हैं छोटे इंटरेस्ट पे और अमेरिका में चढ़ा देते हैं। लेकिन जब उनको वापस करना है तो उनको तो येन वापस करना है, और अगर येन का भाव बढ़ जाए तो वो तो फंस जाते हैं। इसीलिए अमेरिका में जैसे ऐसा माहौल पैदा हो गया कि अगर डॉलर का रेट इस तरह गिरता गया, येन का रेट बढ़ता गया जापान में, हिंदुस्तान में नहीं, तो उसकी वजह से अमेरिका में रिसेशन यानी मंदी का दौर दौरा हो सकता है। वैसे ये सिर्फ एक किस्म की अफवाह है, क्योंकि कानूनी तौर पर यानी जिसे माना जाता है पूरी दुनिया में, कंटिन्यूस दो क्वार्टर्स दो तिमाहियां अगर किसी मुल्क की जीडीपी निगेटिव में जाए यानी आगे बढ़ने की बजाय पीछे चली जाए, तो कहा जाता है कि दिस कंट्री हैज़ गॉन इन टू रिसेशन, जबकि ऐसी बात अमेरिका के लिए तो नहीं है। हाँ, कम हो रही है उनकी, 1.7% के हिसाब से हमने सुना था कि वहाँ की इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन माइनस तो नहीं है। और अभी तो एक तिमाही भी ऐसी नहीं आई, तो जब तक दो तिमाहियां नहीं आएंगी तो फिर कैसे कह सकते हैं। इस किस्म का माहौल जो है जब पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जंगें हो रही हैं 2 साल 2.5 साल से, यूक्रेन और रूस की जंग चालू है, 10 माह से जो है हमास और इसराइल की जंग चालू है, हर रोज ऐसी बुरी बुरी खबरों से हमें पाला पड़ता है। ईरान में तेहरान में इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया गया, ईरान उसका बदला लेगा, हिजबुल्ला के लीडर को लबनान में इसराइल ने मार दिया, और इसके ऊपर सितम ये कि हमारे पड़ोस में कल कू आ गया बांग्लादेश में, शेख हसीना की हुकूमत को पलट दिया गया, वो बेचारी भाग कर दिल्ली आ गई और इस वक्त भारत की पनाह में है। चुनी हुई सरकार, मुंतखब की हुई सरकार को हटा दिया गया। जाहिर है मैंने कल प्रोग्राम किया था, आप देख सकते हैं, इसमें पाकिस्तान और चीन का हाथ है और किसी का नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश प्रॉस्पर हो। गलतियां की हैं हसीना वाजिद ने, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जमहूरियत को ताराज कर देना चाहिए, लेकिन हो चुका है, हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि उसके लिए ओबिचुरी लिखे।
अच्छा अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जब मायूसी का दौर दौरा है, ऐसे में अमेरिका की एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है डीलॉइट, उसने कल अपना जो ओपिनियन दिया है उसमें उसने कहा है कि इस साल यानी भारत का जो माली साल है 24-25 यानी अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक, इसमें भारत की जो मईशत है, भारत की जो इकोनॉमी है 7.2% के हिसाब से बढ़ेगी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 8-10 दिन 15 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भारत की जो मईशत है, इकोनॉमी है 7% के हिसाब से बढ़ेगी। इससे पहले IMF वालों ने भी 7% के हिसाब से कहा था, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इससे पहले कहा था 6.8, लेकिन 15 दिन पहले उन्होंने उसको रिवाइज करके 7% किया था। भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि भारत की इकोनॉमी जो है 7.2% के हिसाब से बढ़ेगी। अब डीलॉइट भी यही कहता है और इसकी कई वजूहात हैं। अभी एक तो भारत की इकोनॉमी में मेजर पोर्शन जो है ना वो हमारे कंट्री साइड का है, गांव का है, और इस साल बरसात बहुत ज़ोरों की पड़ रही है जिससे हमें उम्मीद है कि भारत की एग्रीकल्चर बहुत ज़बरदस्त होगी। और वैसे भी पिछले कई सालों से, ख़ास तौर पर जब से ये कोरोना आया ना, दुनिया को पता चला कि जिस तरह यूक्रेन और रूस पूरी दुनिया को गंदम सप्लाई करते थे, गेहूं सप्लाई करते थे, और ये तो जंग के बाद तकलीफ हो गई। पाकिस्तान जिसमें पंजाब और सिंध जो है फूड ग्रेन बास्केट गिने जाते हैं, उनकी हालत ये हो गई कि उनको गंदम इंपोर्ट करना पड़ गया। वहाँ पर 150 से लेके 200 रुपये किलो तक गंदम का आटा है, जबकि भारत में वही आटा, वो भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, बताया था कि किस तरह भारत में गंदम का आटा जो है 27 रुपये किलो का मिल रहा है। अच्छा, तो ये जो कंट्री साइड में जो अभी इस साल एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो उसकी वजह से मांग निकलेगी, मांग निकलेगी यानी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल मनी आएगी, ज़्यादा मोटरसाइकिल खरीदेंगे, कारें खरीदेंगे, नए घर बनाएंगे, नई इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा चलिए शादियां ही करेंगे तो शादियों पे जो खर्चा होगा उनका भी एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, तो इस वजह से भी मुल्क की इकोनॉमी में इजाफा होता है। अच्छा, इस तरह मैं आपको ये, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी दुनिया जो इस वक्त ऑन एन एवरेज यानी या तो मेंटेन कर रही है अपनी इकोनॉमी या रिसेशन में जा रहे हैं या बहुत कम। चीन की इकोनॉमी जस्ट 4% के हिसाब, जो कि डबल डिजिट में जाती थी 10% 11% के हिसाब, अभी वो 4% तक पहुंच गई है। ऐसे में हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है उसका 7.2% के हिसाब से आगे बढ़ना पूरी दुनिया के लिए खुशाइंदा है। मैं आपको बता दूं, एक मुल्क जब तरक्की करता है तो उसके साथ पूरी दुनिया तरक्की करती है। और इस सिलसिले में कुछ आंकड़े भी कल भी आए हैं जो यानी यूँ कह सकते हैं कि दीज आर बेल वेदर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। अभी जुलाई के आंकड़े आए हैं जिसमें भारत ने जुलाई के महीने में तकरीबन 3,20,129 गाड़ियां बेची, फोर व्हीलर्स। आप और ये पिछले साल यानी जुलाई 23 में जितना ही गाड़ियां बेची थी उससे 10% ज़्यादा है। इसी तरह टू व्हीलर, इसी तरह बड़े बड़े जो है कमर्शियल व्हीकल्स, हर चीज़ में धड़ाधड़ जो है इजाफा हो रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है मिल मिलाकर इकोनॉमी में आगे बढ़ने की संदेशा देते हैं। और ये मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, एक्सपोर्ट में जो है पिछले साल 800 जो है बिलियन डॉलर भारत की एक्सपोर्ट थी, जिसमें 450 मर्चेंडाइज और 350 था सर्विसेज
जिसमें मेन तो कंप्यूटर सर्विसेज है और उसमें उम्मीद है इस साल इंशाल्लाह हम 900 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।